विज्ञान भवन में आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई महान विभूतियां मौजूद रही, जिसमें सांसद सहित कई गायक व कवि भी बुलाए गए और कवियों ने भी यहां पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं थी वो सुनाई। वहीं कुछ घंटे तक तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर ही बातचीत की गई और कहा गया कि अटल जी तो अटल ही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए ये हमारा नोवा अटल सम्मान समारोह है। ये अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ये वो अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट है जो अटल जी की उपस्थिति में जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, अटल जी तब मौजूद थे और मेरा ये सौभाग्य रहा कि अटल जी के चरणों में एक बार बैठने का मुझको अवसर मिला। उन्हीं से प्रेरणा पाकर उनके जीवित रहते हमने सम्मान को शुरू किया था 2014 में। आज हमारा ये नोवा संस्करण है और इसमें इस बार जो चयनित किए गए हैं जो लोग हमारे चयन समिति है, कुमार विश्व जी, सोनू शर्मा जी, नंदी कमल्ली जी, इस तरीके लोग हैं, मनोज तिवारी जी हमारी चयन समिति में, उन्होंने जिन 12 लोगों का चयन किया उनमें एक मुख्य रूप से हमारे यशपाल शर्मा जी है जिन्होंने दादा लक्ष्मी फिल्म में काम किया है, कन्हैया मित्तल जी है भजन गायकी से पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, दिव्या काकरान जी, अजय भाई जी जिनकी आप अभी अटल गाथा सुन रहे हैं वो अजय भाई जी हैं, और अनुज माथुर जी है मेजर जर्नलिस्ट टाइप के 12 लोगों का चयन पूरे देश से किया गया है। चयन पूरी करी है, इसमें कितना समय लगता है? लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना किस तरह से चुनते हैं? देखिए जितने भी आवेदन हमारे पास आते हैं जिस क्षेत्र के, हम अधिकतम 20 दिसंबर तक कोशिश करते हैं कि उनका चयन कर लिया जाए। 20 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है। 20 नवंबर से हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूरे देश में। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन आ जाए, वो भले ही फॉर्म भर कर आए, भले ही वेबसाइट के माध्यम से, चाहे वो साधारण परिचय हमको केवल भेजते, कोई नॉमिनेशन शुल्क नहीं होता पूरे देश में किसी भी प्रकार का, इसका उनका परिचय आना चाहिए। जितने भी परिचय हमको प्राप्त होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग चुन लिए जाते हैं। कोई समाज को कोई मैसेज यही है कि अटल जी जैसा महान व्यक्ति, उसकी विचारधारा जब आज वो नहीं है, शरीर हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, मगर अलौकिक रूप से, सूक्ष्म रूप से वो हमारे बीच है, उनकी विचारधारा पूरे देश के अंदर जाए और उनकी विचारधारा पर ये देश चलकर एक आदर्श राजनीति को स्थापित कर सके, आदर्श समाजवाद की स्थापना कर सके। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है और बहुत अच्छा मेरे को लगा। सर आज जैसे चाइना और ईरान देखिए, चाइना और भारत के हालात मेरे हिसाब से पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है और इसमें कोई किसी प्रकार की बातचीत, बहुत ज़्यादा राजनीति प्रकार की बातचीत करने की आवश्यकता मेरे को लगता नहीं कि है। आपकी सेनाओं ने वहाँ पर शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है और चीन की सेनाओं को उनका स्थान दिखाया है, हमें उन पर गर्व करना चाहिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्मी चैनल्स होने हैं और आर्मी के आर्मी कमांडर ने साफ कहा है कि वहाँ पर हमारी स्थिति पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उससे मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं कई न्यूज चैनल पर जाता रहता हूँ, मेरा ये मानना है कि आर्मी के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता जितना असर इस बात पर पड़ता है कि हम अपने दुश्मनों को एक ऐसा एमिनेशन दे रहे हैं जिसके बीच में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि हमारी सेना ने चीनी सेना को पकाया और कहीं हमारे ही बीच में तो कोई कह रहा है कि हम मार खा रहे हैं, ये बात इसका फायदा चीन उठाता है, जबकि
भारतीय सेनाओं के मनोबल पे और पराक्रम पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता जितना असर इस बात का पड़ता है कि हम अपने दुश्मन देश को एक वजह दे रहे हैं, एक फौज दे रहे हैं जिससे कि अपने पास अपने बात रख सकते हैं। मैं बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी कार्य करें, जहाँ भी रह के कार्य करें, देश को सर्वोपरि रख करके कार्य करें। हर व्यक्ति चाहे वो खुद काम करता हो, यदि अपनी काबिलियत के अनुसार काम कर रहा है और देश की सर्वोपरि की भावना से काम कर रहा है, उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ना एक सैनिक या एक मुझे बिल्कुल निर्णय करे कि आप राष्ट्र को सर्वोपरि रखें और जो काम आप कर रहे हैं वो करते हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, हर वर्ष इस कार्यक्रम में आता हूं और इस अटल गौरव सम्मान अटल गाथा का एक पुरस्कार है, सम्मानित पुरस्कार मुझे आज से करीबन 9 वर्ष पूर्व दिया जा चुका है। आज इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं जहां गौरवान्वित महसूस करता हूं, आज एक जूरी मेंबर की हैसियत से इस कार्यक्रम में हर वर्ष की बातें आता हूं और समाज में कला संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी योग्य लोग हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। इस संस्था को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भुवनेश सिंघल जी जो एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, मेरी आज के पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी योग्य उत्कृष्ट कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम मैं 9वें में पहुंच सका। मुझे भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं 9वें में पहुंच सका और आप सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे परिवार का सहयोग और प्रभु का नाम। मेरी मेहनत तो तभी हो पाती है जब प्रभु का नाम ले पाता हूँ और बस यही काम करता रहूँ, अपने राम का नाम करता रहूं, इसके सिवा कुछ मुझे नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का और वो सब सारे बैठे हैं, मैं क्या उनको सभी गुरुजन बैठे हैं यहाँ, सुबह सुबह दिक्कत दिखाने वाली बात है, लेकिन समझ चाहूंगा जो भी गुरुजन है मैं गलती करूँ तो अजय भाई जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। यशपाल जी बैठे, सभी बैठे, सबको प्रणाम। आइए मिलकर गाते हैं एक बार, घोष लगे जय जी। मैं तो क्या ही कहूँ, मतलब जो मेरे सबसे प्रिय नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। उनकी जो सोच है, उनकी जो कविताई है, उनका जो आर्टिस्टों को लेकर के जो प्रेम है, उनका जो समाज को लेकर प्रेम है, उनकी राजनीति है, उनके जो विचार हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, हमेशा करता रहा हूँ। उनके नाम का सम्मान मिलना ये मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार है और मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं हो सकती। मैं नीरज गुप्ता जी का, मैं ब्रह्मेश सिंघल, भुवनेश सिंघल जी का, मैं सारी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी जूरी का धन्यवाद करता हूँ, जिनमें विशु जी हैं और मनोज जी हैं, बाकी लोग जितने भी हैं, नलिनी जी हैं,
जो डांसर हैं इन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो भी थे, मैं पूरे नाम सबके नहीं जानता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सारी जूरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अटल सम्मान के लायक हूँ। थैंक यू। नहीं देखिए, मैंने भी परसों से अपना मास्क निकाल लिया है, हमारे हम जैसे हम आपसे थोड़ा दो गज की दूरी पे हैं, इसलिए हम बिना मास्क के बात कर रहे हैं। हम जैसे ही भीड़ में जाएंगे हम सतर्क हो जाएंगे, हमने तो देखा है ना, अपने लोगों को मरते देखा है। अब हम भारत को तो ये कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं, और आज चाइना में 8 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं जो जानकारी आई है। तो इस नए वेरिएंट में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, हम सभी, मैं एम्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, अगर हम ये खतरा भांप करके सबको सतर्क कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसको क्यों बुरा लगता है। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस जब पहली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चलिए दिया जलाते हैं, थाली बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो कांग्रेस मजाक बना रही थी। जब हम वैक्सीन ला रहे थे तो उसको ये लोग मोदी वैक्सीन बोलते थे, आज उसी बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे, आज उसी वैक्सीन को लगा के हम आप सुरक्षित हैं। वरना चाइना जैसा देश आज 7 लाख लोगों को खो चुका दोबारा। तो हम बूस्टर लगा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि आप भी बूस्टर लगाइए। तो कांग्रेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये कोई स्पेशली उनके यात्रा के लिए नहीं है, यात्रा तो वैसे भी उनकी समाप्ति हो गई है, और यात्रा भी ब्रेक ब्रेक करके चल रही है, थोड़ी देर ब्रेकिंग में चल जाते हैं लेकिन पूरा देश ब्रेक करने की नीयत रखते हैं। अभी तो सब तोड़ा ही है, जोड़ा क्या है, किसी चर्च में मिले तो वो भारत का विरोधी पादरी थे, रास्ते में मिले कन्हैया कुमार जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से भारत का दिल टूट गया, राजस्थान में आए तो किसी कांग्रेसी का मोबाइल तोड़ दिए, तो हंस तो तोड़ ही रहे हो, बाबा इस पर हम कुछ कहेंगे तो सब हंसने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सम्मान करता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को सम्मान करता हूँ कि चलो कम से कम सड़क पे पैदल चलना तो आप सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद कोविड में तो मत मारो लोगों को, ये तो सावधानी रखनी चाहिए। सरकार की कितनी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, और आपको हम लगातार अपने देश पे नज़र रखे हुए हैं, चाइना से आने वाली फ्लाइटों को हमने स्पेशल चेकिंग कर दी है, और मेरा मानना है कि अगले अगर 5-10 दिन में और भी कोई सतर्कता बरती जाती है तो सभी लोग उसका पालन करें, ये हमारी प्रार्थना।